हाय गाइस आज हम इस वीडियो में अपने ओल्ड आईफोन का डाटा न्यू आईफोन फोर्टीन के अंदर ट्रांसफ़र करने वाले हैं आप लेफ़्ट हैंड पे आईफोन फोर्टीन जो न्यू न्यू आईफोन हमने मंगाया था वो है एंड ये हमारा आईफोन फोन है न्यू फ़ोन के अंदर जैसे आप इसे ऑन करके कंट्री एंड लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो आप देखोगे साइड बाई साइड आपके ओल्ड फ़ोन के अंदर न्यू फ़ोन को सेटअप करने का ऑप्शन आ जाता है एंड uh, इस पर जैसे ही आप कंटिन्यू पर टैप करते हो आपके न्यू फ़ोन पे एक क्यू आ जाएगा कुछ इस तरीके से एंड इसको आपको ओल्ड फ़ोन से स्कैन करना है ठीक है कुछ इस तरीके से एंड जैसे आप स्कैन करोगे आप देखोगे न्यू फ़ोन में आपको लिख के आ जाएगा कंटिन्यू ऑन योर अदर फ़ोन एंड इस पर ओल्ड फ़ोन पे हम सेटअप करना स्टार्ट करेंगे साइड बाई साइड न्यू फ़ोन में आपको एक पासकोड मांगेगा जो कि आपके ओल्ड फ़ोन का ही स्क्रीन लॉक पासवर्ड होता है साथ में हम इसे वाईफाई नेटवर्क से भी कनेक्ट कर लेना है इसको आप देखोगे कुछ इस तरीके का न्यू फ़ोन पर इंटरफेस आ जाएगा एप्पल का लोगो एंड इस तरीके से एक यूनिक डिज़ाइन सामने आ जाती है निकल कर टी एन सीज है इसको अग्री करके हम आगे बढ़ेंगे अरे न्यू फ़ोन पे डेटा एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आएगा इसको भी हम कंटिन्यू पर टैप कर लेंगे एंड देन आ जाता है फेस आईडी तो ये हम बाद में सेटअप कर लेंगे या आप अभी चाहो तो अभी भी सेटअप कर सकते हो फिर ट्रांसफर यू डेटा तो ऑप्शन है लाइक आई क्लाउड से आप करना चाहते हो या साइड बाई साइड फ़ोन दोनों रख के करना चाहते हो तो हम साइड बाई साइड फ़ोन रख के करने वाले हैं नया फोन थोड़ा सा एक दो मिनट का टाइम लेता है सेटअप के लिए आपको देन आप देखोगे आ जाता है मेक योर न्यू फ़ोन एंड ओल्ड फ़ोन पे आप देखोगे फिनिश ऑन न्यू फ़ोन का सेटअप आ जाता है इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपडेट आता है आपके फ़ोन पे आप बाद में कर सकते हो उसको वो बैकग्राउंड में अपडेट होता रहेगा आपका फ़ोन लोकेशन बहुत ऑप्शन है डिसबल एनेबल मैं अभी डिसेबल कर देता हूँ उसको एमरजेंसी एस ओ एस सी भी हम बाद में सेटअप कर लेंगे इसको एंड आप देखोगे डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट हो चुका है एस्टिमेटेड टाइम आपके पास में दोनों फ़ोन पे लिख करके आ जाएगा साइड बाई साइड जितना डेटा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको ये टाइम बता देता है कि कितने टाइम के अंदर आपका ओल्ड फ़ोन का डेटा न्यू फ़ोन के अंदर शिफ्ट हो जाएगा अभी हमारा न्यू फ़ोन रिस्टार्ट मोड पर जा चुका है क्योंकि यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है हमारा एंड आप ओल्ड फ़ोन पे देखोगे ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप इसको इरेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो अदरवाइज़ अभी हम नॉट नाउ सेलेक्ट करेंगे बिकॉज़ एक बार पहले हम चेकआउट कर लें कि पूरा डेटा हमारा ओल्ड फ़ोन का न्यू फ़ोन पर शिफ्ट हुआ है या नहीं ठीक है तो चलो एक बार चेक करते हैं एंड ये हमारा न्यू न्यू फ़ोन स्टार्ट हो चुका है इस पर आपको अगेन वो पासवर्ड एंटर करना है ओल्ड फ़ोन का ऊपर से आप देख रहे हो जो एनिमेशन आ रहा है बेसिकली एयर ड्रॉप्स ऑन है तो अगर साइड बाय साइड आप आईफोन रखते हो तो ये एनिमेशन आता रहेगा आप चेकआउट करोगे सारा ऐप्स एंड सारा डेटा हमारा न्यू फ़ोन के अंदर आ चुका है एंड अब आप चाहो तो ओल्ड फ़ोन को इरेज कर सकते हो एंड न्यू फ़ोन को आप एस प्राइमरी डिवाइस यूज़ कर सकते हो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा